हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो आपके माइंड में या फिर आप यूट्यूब पे हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते रहते होंगे कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ाएं, आपके चैनल पे अगर कम सब्सक्राइबर हैं तो आप उन्हें कैसे इंक्रीज करें, और अगर आप एक बिल्कुल नए क्रिएटर हैं, आपके 10-20 ही सब्सक्राइबर हैं, फिर तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते होंगे कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे उन्हें इंक्रीज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और आपको 5 ऐसी सीक्रेट टिप्स के बारे में बताऊँगा जिससे आपके चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसमें जो 5वीं टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी कमाल की है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं, बिल्कुल नए हैं, आपने अभी अभी अपना चैनल शुरू किया है, तो आपको सबसे पहले तो अपने चैनल का नीच आपको सिलेक्ट करना है। नीच मतलब आपको अपने चैनल की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में अपना चैनल बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको उसी कैटेगरी का चैनल बनाना है अपना, चाहे आप टैक्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, डांसिंग का हो, या फिर कोई कुकिंग का चैनल हो, तो जिसमें आपको लगता है कि मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ, तो उसी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी का आपने चैनल क्रिएट करना है। तो अब शुरू करते हैं अपनी जो 5 टिप्स हैं उनको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली टिप है कि चैनल ब्रांडिंग, आपको अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी है। और अब आप इसमें से कंफ्यूज मत होना कि चैनल ब्रांडिंग क्या होती है। चैनल ब्रांडिंग का मतलब है कि जो भी आपका जो कैटेगरी है चैनल की, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना चैनल का जो बैनर है वो लगाना है, जो आपके होम पेज पे लगा होता है, आपका लोगो बनाना है उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको, और आपको अपने होम पेज की अच्छे से ब्रांडिंग करनी है, उसको अच्छे से सजाना है, उसको अच्छे से कस्टमाइजेशन करना है। अगर आपको ये करना सीखना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ईजिली उसे सीख सकते हैं। तो पहली टिप तो यही है कि आपको अपने चैनल की ब्रांडिंग करनी है ताकि कोई भी जब आपके चैनल के ऊपर विजिट करे उसको ऐसा लगे, प्रोफेशनल लुक लगे आपके चैनल की, ठीक है, तभी वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा आपकी वीडियोस देख के। अगर कोई आपके चैनल के ऊपर आता है और उसके आपके चैनल पे अच्छे से सारी चीज़ें दिखती हैं, आपका बैनर, लोगो, आपके जो जो सेक्शन आपने ऐड किए हैं, सारे होम स्क्रीन की जो भी सजावट की है, अगर उसको अच्छी लगती है तो वो आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अब बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। तो ये दूसरी टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, कि आपको जो अपनी वीडियो बनानी है उसकी क्वालिटी हमेशा आपको हाई रखनी है। मतलब आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनानी है, आपका ऑडियो भी अच्छा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका चाहे कैसा हो लेकिन आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए, ताकि कोई भी आपकी वीडियो को देखे तो उसे आपकी वीडियो देखने में भी अच्छी लगे और सुनने में भी अच्छी लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हेडफोन लगाकर मोबाइल फ़ोन्स में वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे एक कंडीशन में आपकी ऑडियो अगर अच्छी होगी, उन्हें पसंद आएगी, तो वो आपके चैनल पे विजिट करेंगे, आपके चैनल को देखेंगे और भी वीडियोस देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो इसलिए आपको अपने जो भी वीडियो आप जो बनाते हैं उसकी क्वालिटी को आपको हमेशा हाई रखना है, अच्छा रखना है, जिससे वो देखने में भी अच्छी लगे और सुनने में भी अच्छी लगे। अब बात करते हैं तीसरी टिप के बारे में। तो तीसरी टिप ये है कि आपको उन वीडियोस को क्रिएट करना है, उन वीडियोस, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनानी है जिस पे आपकी ऑडियंस जिन टॉपिक्स को देखना चाहती है। जैसे मान लीजिए आप एक नए क्रिएटर हैं तो आपको उन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए जिन वीडियोस पे आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं। मान लीजिए आपके किसी एक वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक्स लें और उनके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो उसी तरह की वीडियो देखना पसंद कर रही है, तभी आपकी उस वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आए हैं। तो ये आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ऑडियंस है
वो क्या देखना पसंद कर रही है आपके चैनल के ऊपर, किस तरह की वीडियो उन्हें अच्छी लग रही हैं, तो आप उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाएं तो वो आपके चैनल की और वीडियोस को भी देखेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब नंबर 4 टिप की बारी आती है कि फोर्थ नंबर पे मैं आपको यही टिप दूंगा कि आपकी जो भी वीडियो आप जो बनाते हैं उसकी लेंथ क्या रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक लंबी वीडियो बनाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप छोटी वीडियो ना बनाएं, शॉर्ट्स के लिए यूट्यूब पे अलग एक सेक्शन होता है कि मतलब अगर आपका शॉर्ट का चैनल है तो आप शॉर्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लंबी वीडियो बनाएं। अगर आपका लॉन्ग चैनल है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए। कम से कम 5, 7, 10 मिनट की वीडियो आपको ज़रूर बनानी चाहिए। छोटी वीडियो में उतना आपको अच्छा भी नहीं लगेगा बनाने में और इतना अच्छे तरीके से आप समझा भी नहीं पाएंगे, लेकिन बड़ी वीडियो जब आप बनाएंगे तो उस पे क्रिएटर को अगर उस टॉपिक से रिलेटेड जब भी वो यूट्यूब आपकी जो भी वीडियो आप बनाओगे उसको सर्च में भेजेगा, तो ब्राउज फीचर में भेजेगा लोगों के, तो जब भी अगर लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो वो उस पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो ये आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखिए कि आप एक नए क्रिएटर हैं तो आपको छोटी वीडियो बनानी चाहिए या बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी वीडियो ही बनाएं, ठीक है? आपको जो भी आपकी जितनी भी नॉलेज है, आप जिस बारे में जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी लेंथ, वीडियो की लेंथ को हमेशा बड़ा रखें। तो ये थी फोर्थ टिप, और इससे भी आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे क्योंकि जब भी कोई आपकी वीडियो को देखेगा उससे आपका समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेगा और विजिट करके और वीडियोस को भी देखेगा। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल 5वीं टिप की, जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, अपनी एक वीडियो जो आप बना रहे हैं उसके अंदर ही आपको अपनी दूसरी वीडियो की प्रमोशन भी करनी है। वो कैसे करनी है, उसके लिए आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं अपनी दूसरी वीडियो का, या फिर उसका लिंक आप आई बटन में दे सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में बोला कि आपको कस्टमाइजेशन सीखना है, कैसे पेज को कस्टमाइज़ करते हैं अपने होम पेज को, तो उसका लिंक मैंने कहा कि मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख लेना। आप भी इस तरीके से अपनी दूसरी वीडियोस की प्रमोशन अपनी एक वीडियो के अंदर कर सकते हैं, और इससे भी जो भी आपकी वीडियो को देख रहा होगा उसे आपकी वीडियो अच्छी लगेगी, तो वो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में अगर उसको या एंड स्क्रीन पे उसको कोई दूसरी वीडियो मिलेगी तो वो उस पर भी क्लिक करके आपके चैनल पे जाएगा, वहाँ पे वीडियो देखेगा। और आप एंड स्क्रीन में भी सब्सक्राइबर का बटन ऐड कर सकते हैं, वहाँ से भी वो आपको सब्सक्राइब कर सकता है। तो ये 5 टिप्स थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी न्यू क्रिएटर्स को अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5ों टिप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।